फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं दो रंग में बहुत ही आसान डिजाइन बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, इस डिजाइन को आप छोटे बच्चे या लेडीज कार्डिगन पे डाल सकते हैं। ये डिजाइन हम तीन फंदा एक कलर और एक फंदा एक कलर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए डिजाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस डिजाइन को बनाने के लिए हम बॉर्डर बुनकर तैयार कर लिए हैं और दो फंदा उल्टा सीधा बुन लिए हैं। तो अब हम डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। किनारे हम तीन फंदा सीधा बुनेंगे हरे कलर से, फिर एक फंदा हम पीले कलर से बुनेंगे, फिर तीन फंदा हरे कलर से बुनेंगे, फिर एक फंदा पीले कलर से बुनेंगे, तीन फंदा हरे कलर से बुनेंगे, तीन फंदा हरे कलर से और एक फंदा पीले कलर से बुनते हुए पूरी सिलाई सीधी साइड कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड पहली सिलाई हम डिजाइन की कंप्लीट कर लिए हैं। तीन फंदा हरे कलर से सीधा बुने हैं और एक फंदा पीले कलर से, तीन फंदा हरे कलर से एक फंदा सीधे कलर से बुनते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट कर लिए हैं। अब उल्टी साइड में केवल उल्टा बुनेंगे, हरे कलर का फंदा हरे कलर से बुनेंगे और पीले कलर का फंदा पीले कलर से बुनेंगे। इसी तरह बुनते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे उल्टी साइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड में हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम डिजाइन की दूसरी सिलाई बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन की हम दूसरी सिलाई अब बनाना स्टार्ट करेंगे। पहली सिलाई में तीन फंदा हम हरे कलर से बुने हैं और एक फंदा पीले कलर से बुने हैं। अब दूसरी सिलाई में जो हमारा तीन फंदा हरे कलर से है, पहले हम दो फंदा पीले कलर से बुन लेंगे और एक फंदा हरे कलर से बुन लेंगे। फिर एक फंदा जो पीले कलर से बुने हैं, इसको हम तीन फंदा पीले कलर से बुन लेंगे। पीला वाला फंदा तीन फंदा पीले कलर से बुनेंगे, फिर एक फंदा हरे कलर से बुनेंगे। अब दूसरी सिलाई में हमको यही करना है कि एक फंदा हरे कलर से बुनेंगे और तीन फंदा पीले कलर से बुनेंगे। तो तीन फंदा पीले कलर से बुनेंगे, फिर एक फंदा हरे कलर से बुनेंगे, फंदा पीले कलर से बुनेंगे, फिर एक फंदा हरे कलर से बुन लेंगे, फिर तीन फंदा पीले कलर से बुन लेंगे। इसी तरह बुनते हुए डिजाइन की दूसरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। डिजाइन की दूसरी सिलाई हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब उल्टी साइड में बुनेंगे। उल्टी साइड में केवल उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। हरे कलर का फंदा हरे कलर से बुन लेंगे और पीले कलर का फंदा पीले कलर से बुन लेंगे। इसी तरह बुनते हुए उल्टी साइड कंप्लीट कर लेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड हम बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम सीधी साइड में आ गए हैं। बस हमको यही ध्यान देना है कि जो हमारा एक फंदा एक कलर से है उसको हम तीन फंदा करेंगे। जैसे कि हम पहली बार हरे कलर से तीन फंदा बुने थे तो फिर वो हरा वाला फंदा हमारा एक फंदा हो गया। फिर हम पीले कलर से तीन फंदा बुने हैं, अब इस बार हरे कलर से तीन फंदा बुनेंगे और पीले कलर से एक फंदा बुनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन की हम तीसरी सिलाई बनाने जा रहे हैं। किनारे दो फंदा पीला बुने हैं तो एक फंदा हम हरे कलर से बुन लेंगे, फिर एक फंदा पीला बुनेंगे, फिर तीन फंदा हरे कलर से बुनेंगे। फिर एक फंदा पीला बुनेंगे, फिर तीन फंदा हरा बुनेंगे, फिर एक फंदा पीला बुनेंगे, फिर तीन फंदा हरा बुनेंगे, फिर एक फंदा पीला बुनेंगे, फिर तीन फंदा हरा बुनेंगे, तीन फंदा हरा और एक फंदा पीला बुनते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, डिजाइन की तीसरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम उल्टी साइड बुन लेते हैं। देखिए डिजाइन धीरे धीरे मालूम पड़ रही है। उल्टी साइड उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब डिजाइन की हमारी चौथी सिलाई है। एक डिजाइन देखिए बनकर तैयार हो गई है पीले कलर से। इसमें दोनों कलर से डिजाइन बनेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम डिजाइन की चौथी सिलाई बनाएंगे। किनारे एक फंदा हरा बुन लेंगे और पीले कलर से तीन फंदा बुनेंगे। फिर हरे कलर से एक फंदा बुनेंगे, फिर पीले कलर से तीन फंदा बुनेंगे, स्टार्टिंग में जब हम सही बना लेंगे तो हमारे डिजाइन बीच में बिगड़ेगी नहीं। फिर एक फंदा हरे कलर से बुन लेंगे, फिर तीन फंदा पीले कलर से बुनेंगे, एक फंदा हरे कलर से तीन फंदा पीले कलर से बुनते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन हमारी बनकर तैयार हो गई है। दो डिजाइन हरे कलर से और एक डिजाइन पीले कलर से, फिर दूसरे डिजाइन पीले कलर से स्टार्ट कर दिए हैं। तो बहुत ही इजी डिजाइन है फ्रेंड्स। आप इसको जितना ही बुनेंगे उतना ही अच्छा लुक आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रही हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।